उत्तराखंड में 31 साल बाद आज हेरिटेज हिमालयन कार रैली का आगाज हुआ। इस रैली को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और होटल वेलकम द सवाय के डायरेक्टर किशोर कुमार काया ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हिमालयन कार रैली से उत्तराखंड के पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। सतपाल महाराज ने कहा कि 4 दशक के बाद एक बार फिर हिमालयन कार रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के विभिन्न प्रदेशों और विदेशों से भी लोगों ने प्रतिभाग किया है, जिससे प्रदेश में पर्यटन और आर्थिकी मजबूत होगी। 1971 के बाद ये शुरू हुई थी रैली और यहाँ सवाई होटल से शुरू हुई थी। आज 4 दशक के बाद ये रैली फिर से चल रही है। मैं काया जी को बधाई दूंगा जिन्होंने इस रैली को ऑर्गेनाइज़ करवाया है। इसमें काफ़ी पार्टिसिपेंट्स बाहर बाहर मुल्कों से आ रहे हैं। अभी हमारे पास इंटरनेशनल भी कीनिया से आए हैं और मैं समझता हूँ कि इससे काफ़ी आकर्षित जो है टूरिस्ट होता है और शीतकाल के अंदर हमारा पहाड़ थम सा जाता है तो निश्चित रूप में उसमें ये एक प्राण का काम करेगा और लोग यहाँ की वादियाँ, यहाँ की सुंदरता, यहाँ के नदियाँ, उन सबको देखेंगे और आकर्षित होंगे और बार बार उत्तराखंड आएंगे। हमारे यहाँ हम कैरावान सर्किट्स की बात कर रहे हैं। मैंने अभी कार रैली वालों को कहा कि जगह जगह हम कैरावान पार्क्स बनाएंगे जिसके अंदर आप गाड़ियों को वहाँ पार्क कर सकें और वहाँ आप रह सकें। हम चाहते हैं कि अल्पाइन टेंट्स जो इग्लू होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। जगह जगह हम शौचालय भी बना रहे हैं तो इस प्रकार से कैरावान कैंप्स को डेवलप करते हुए हम चाहेंगे लोग कार से यात्रा करें तो इससे बहुत यात्री आएंगे और सस्ते में यहाँ पर रह सकते हैं। हम उनको ग्रामीण जीवन का जो है अनुभव प्रदान करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस प्रदान करना चाहते हैं। जैसे मंडवे की रोटी हो गया, हमारा दैन दूसरा हो गया, हमारा जो है छंछिया हो गया, हमारे जो यहाँ के भोजन है कंडली की भुजी हो गई, ये सब चीज़ों का वो स्वाद ले सकेंगे। और उसके साथ साथ जो हमारा ट्रेडिशनल आर्ट है, गाना है, चौफुल है, हमारे जो नाच हैं, छोलिया नृत्य है, उसको भी अवलोकन कर सकेंगे। तो निश्चित रूप में मैं समझता हूँ टूरिज्म इससे बहुत बढ़ेगा। जो इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा वीरचंद सिंह गढ़वाली से हर चीज़ के लिए अल्फा टू ओमेगा ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म के हर पहलू में स्टार गेजिंग हो गया, आपका जो है एंगलिंग हो गया, हर चीज़ के लिए हम जो है फंडिंग करने जा रहे हैं, पैसा देने जा रहे हैं। जो भी गो कार्ट का प्रपोजल होगा निश्चित रूप में उस पर विचार करते हुए उसको पैसा दिया जाएगा ताकि वो उसको संभव कर सके। सतपाल महाराज ने कहा कि शीतकाल में पर्यटकों की आवाजाही काफी कम हो जाती है, लेकिन ऐसे आयोजनों से पहाड़ में पर्यटक रुख करेंगे, साथ ही लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। महाराज ने कहा कि देश विदेश से उत्तराखंड आने वाले लोग उत्तराखंड के पहाड़ और प्राकृतिक सौंदर्य का जमकर लुत्फ उठाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कैरवान सर्किट जल्द प्रदेश के अनेक हिस्सों में बनाने जा रही है। से बहुत ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि शीतकाल के अंदर हमारा पर्यटन जो है थम सा जाता है, उसके अंदर ये प्राण फूकता है और हमारे जितनी भी रिजेस हैं, हमारे उत्तराखंड में जो सुंदरता है, वादियाँ हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, उनका देखने को मौका मिलता है। और सबसे बड़ी बात है जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने परिवार के साथ जा रहे हैं, अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं, अपने पोतों के साथ जा रहे हैं, तो यहाँ की सुंदरता बच्चे भी देखेंगे तो निश्चित रूप में आकर्षित होंगे और बार बार हमारे उत्तराखंड आएंगे। जिस तरह से रोड सेफ्टी की बात हो रही है, हमारे रोड्स भी अभी काफ़ी खराब हैं। रोड्स खराब हैं पर उन्होंने मुझे बताया कि जिन रोड से वो आए हैं वो रोड्स काफ़ी अच्छे हैं और हमने उनको बताया कि जहाँ भी रोड्स खराब होंगे उनको हम ठीक करेंगे। बरसात काफ़ी हुई है और काफ़ी रोड्स हमारे क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनकी रिपेयरिंग चल रही है, गड्ढे भरे जा रहे हैं और काम पूरी तरीके से मुस्तैदी से हो रहा है। मसूरी में आयोजित हिमालयन कार रैली ने कुछ पुराने दोस्तों को आपस में मिलाने का मौका भी दे दिया। इस हिमालयन कार रैली में 92 से ज्यादा विंटेज कारें शामिल हुईं, जिसमें 4 कारें क्लासिक कार हैं। 1950 और 1960 के दशक की 2 इटालियन फिएट कारों के साथ 2 फॉक्सवैगन की बीटल भी शामिल थीं। इसके साथ ही रैली में मॉडर्न कंटेम्पररी कारों को भी शामिल किया गया। आयोजनकर्ताओं ने उम्मीद जताई कि अगले साल सरकार के प्रयास से हिमालयन कार रैली 2.0 का आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MI न्यूज। उठा लो, ऊपर उठा लो। Amit